I am Janvi Badasamra, Assistant Professor at Electrical Department, Sukkur IBA University. Jamshed Ahmad Ansari, PhD Scholar, North China Electric Power University, BG. Okay, as power hardware and loop, fill lab, discuss kar wa rahe hu. Power hardware and loop, sirf Pakistan mein do universities ke paas hai, ek NUST University hai, ek Sukkur IBA University. ये पूरा एक फिल का सिस्टम है. पहले हम इस पार्ट पे आते हैं, इस केबिन पे आते हैं. यहाँ पर हमारा ये PXI है. NI की प्रोडक्ट्स होती हैं. एक PXI होता है, MyRio होता है, CRIO होता है. MyRio की कंप्यूटेशन स्पीड CRIO से कम है, CRIO की कंप्यूटेशन स्पीड MyRio से ज़्यादा है, और फिर PXI इन दोनों से कंप्यूटेशनल स्पीड ज़्यादा है. वजह यह है कि प्रोसेसर उसमें ज़्यादा हाई लेवल का लगा होता है. उसमें जो FPGA की चिप है वो ज़्यादा हाई लेवल की लगी होती है. जैसे इसमें 4 FPGA लगे हुए हैं. हर कोई FPGA जो एक इंटेक 7 है, जो सेकंड मोस्ट पावरफुल FPGA इस वक्त वर्ल्ड में चल रहा है. तो आप इसमें कोई भी अगर कन्वर्टर बनाना चाहते हैं तो आप अपना जो कन्वर्टर है वो कन्वर्टर आप बनाएंगे मेटलेब में. जो सॉफ्टवेयर फिल लेब सपोर्ट करती है, हमने जो सॉफ्टवेयर परचेस किया है वो ओपल आरटी वालों का है, और ओपल आरटी के अंदर जो जो सॉफ्टवेयर फिल लेब सपोर्ट करती है, एक मेटलेब है, प्लेक्स है, पीसिम है, मल्टी सिम है. तो अगर आपने लेटर से मल्टी सिम में या आपने मेटलेब में अपना पावर कन्वर्टर डिज़ाइन किया, तो पावर कन्वर्टर आप डिज़ाइन करेंगे और वो आप बर्न करेंगे PXI के अंदर. तो PXI में वो आपका मॉडल पावर कन्वर्टर बर्न हो जाएगा. उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे. जाहिर बात है कोई भी कन्वर्टर होगा तो उसका कोई ना कोई कंट्रोलर होगा. वो विद फीडबैक भी हो सकता है, विदाउट फीडबैक भी हो सकता है, और जाहिर बात है उन स्विचेस को गेट सिग्नल देना पड़ता है जो पावर कन्वर्टर आप यूज़ करते हैं. तो सारी गेट सिग्नल जो भी हैं और आपका जो भी कंट्रोल पोर्शन है वो CRIO में हम बर्न करेंगे, और CRIO से फिर वो हम कंट्रोलर के लिए लाजमी है कि वो हम लैब व्यू में डिज़ाइन करें, मेटलैब में डिज़ाइन नहीं. नहीं, कंट्रोलर शुड बी डिज़ाइन इन लैब व्यू. लेकिन एक अप्रोच और भी अवेलेबल है, वेरी स्टैंड का सॉफ्टवेयर अगर आपके पास हो तो आप कंट्रोलर मेटलैब में भी डिज़ाइन कर सकते हैं. एंड देयर आर अगेन ट्रेड ऑफ ऑफ डिज़ाइनिंग बोथ वे. वेरी स्टैंड हायर लेवल पर डिज़ाइन करती है, लैब व्यू लोअर लेवल पर डिज़ाइनिंग करती है. तो लैब व्यू के रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छी होगी, लेकिन वेरी स्टैंड में भी आप वो काम कर सकते हैं. ओके, ये कंट्रोलर आपका हो गया. उसके बाद आपने कोई पावर कन्वर्टर डिज़ाइन किया, आप लिमिटेशन दिए MyRio CRIO या आपके PXI प्लस माइनस 10 वोल्ट को लो करते हैं. लेकिन आप जब कोई कन्वर्टर डिज़ाइन करते हैं यू गो फॉर हायर वोल्ट, तो उसमें स्केलिंग आप पहले करते हैं. स्केलिंग करके फिर आउटपुट पे दोबारा आप रीस्केल करेंगे ताकि आप आउटपुट वही दिखे जो आप करना चाहते हैं. जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन. यस, एंड देन पावर एम्पलीफायर यहाँ पर लगाया गया है टू एम्पलीफाई दैट वोल्टेज करंट. और उसके बाद हम PMU ये लगाया गया है. पावर एम्पलीफायर के बाद APMU में जाएगा फेजर मेजरमेंट यूनिट, जिसमें आप पावर क्वालिटी एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हैं. जैसे हार्मोनिक एनालिसिस हो गई, जैसे आप वोल्टेज से कंपनसेशन वोल्टेज से एनालिसिस हो गई, वोल्टेज सोइल एनालिसिस, वोल्टेज को लेकर जो भी एनालिसिस है आप कर सकते हैं. और उसके बाद आप अपना लोड कनेक्ट करेंगे. लोड कनेक्ट करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि जो आपका कन्वर्टर है वो वर्किंग में है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं वो आप वहां पर देख सकते हैं. कन्वर्टर हमें मेटलैब में डिज़ाइन करना होगा. कन्वर्टर हमें मेटलैब में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, मल्टी सिम में भी, प्लेक्स में भी, और पीसीएम में भी. चार सॉफ्टवेयर का लोड, चार सॉफ्टवेयर का लोड. आप जो MMC वगैरह डिज़ाइन कर रहे हो वो कौन से सॉफ्टवेयर में? वो मेटलैब में करेंगे. मेटलैब में करेंगे. ये हमारा दूसरा सिस्टम है, वही उसी की रिप्लिका है. अच्छा, फ्रॉम हियर ये हमने ओपन एंड रखा है कि कोई भी कन्वर्टर आप कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करें. और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा स्मार्ट ग्रिड की एनालिसिस के लिए हम वापडा की पावर क्वालिटी एनालिसिस इस सिस्टम के शुरू कर सकते हैं. इस वक्त ये वापडा की सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया है, तो हम लोड एनालिसिस इस सिस्टम के शुरू कर सकते हैं. बाकी कॉन्सेप्ट इनका वही है जो मैंने अभी डिस्कस किया. ये है हमारा सर्वर. इस सर्वर में इससे पावर क्वालिटी एनालिसिस करने से जो हमारे पास पीपीओ एनालाइजर, उसमें क्या फर्क है? वो जो हमारे पास फ्लूइड का पावर क्वालिटी एनालाइजर होता है ना, वो फिक्स्ड है. फिक्स से मुराद ये है कि प्रोग्रामेबल नहीं है, आप उसको अपनी मर्जी पे ऑपरेट नहीं कर सकते. दिस इज टोटली ओपन एंडेड. आप इसको कोई भी पैरामीटर अपने हिसाब से डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है. अच्छा, तो ये इस ओपन एंडेड. आपने करके देखिए. जी जी, पावर क्वालिटी एनालिसिस हमने की, वो एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ. और दिस इज अ सर्वर. सर्वर में हमारा जो है वो सारे ये जो नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, लैन के थ्रू, ये सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं सर्वर से. और IP के थ्रू हम सारे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, जिस भी सिस्टम को हम एक्सेस करना चाहें. और यहाँ पर एक टीचिंग मंडल के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टीचिंग मंडल भी हमने परचेज किया है, जो पाकिस्तानी प्राइस में तकरीबन 90 लाख का हमें पड़ा था. उसका टीचिंग मंडल के अंदर इन्होंने बिल्ट इन हमें VIs दिए हैं, कोर्स आउटलाइन दिए, कोर्सेज दिए हैं,
लैब्स बना के दिए हैं, तो आप टीचिंग बंडल में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी वहाँ पर डिस्कस किया कि PXI के अंदर आप कन्वर्टर बंद करेंगे, ये भी फिल लैब ही है लेकिन फिल लैब एट अ लोअर लेवल। अब वहाँ पर PXI की बजाय यहाँ पर आप सीरियो में आप कन्वर्टर डिज़ाइन करेंगे, कन्वर्टर आप बंद करेंगे सीरियो में, वहाँ पर आप कंट्रोलर के लिए सीरियो यूज़ करते हैं, यहाँ आप कंट्रोलर के लिए वायरियो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है कि ये भी एक फिल और डिप्लॉयमेंट सिस्टम ही है लेकिन एट अ लोअर लेवल। टीचिंग बंडल के लिए ये काफ़ी है, वहाँ पर ओपन एंड के लिए यू मे गो फॉर हायर PhD प्रोजेक्ट या एनी अदर रिसर्च प्रोजेक्ट, तो तभी उसकी जो कंप्यूटेशनल स्पीड और जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसके वो ज़्यादा रखी गई है ऑलरेडी। अभी हम एक एग्जांपल रन करके देखते हैं फिल के अंदर, एक हम एग्जांपल रन करके देखते हैं फिल के अंदर। ओके, टाइमिंग इसकी आउट हो गई। ओके, ये मैंने FIP का प्रोजेक्ट खोला, DC कन्वर्टर पे एक स्टूडेंट FIP कर रहा है, उसी का एग्जांपल अभी हम रन कर रहे हैं। ये हमने अभी ये भी आपने ओपन एंडेड डिजाइन किया जी, ओपन एंडेड पे ये हमने ये लेबी प्रोजेक्ट ओपन आर्टी उन्होंने एक हमें लेबी प्रोजेक्ट बना के दिया है, उसमें हम ये ओपन ये चीज़ को ओपन करेंगे। ये चीज सॉल्वर अब हो क्या रहा है, जो मेटल में आप सर्किट बना रहे हैं उसकी कंडक्टेंस मैट्रिक्स बनेगी, वो जो मैट्रिक्स बना के उस पावर कन्वर्टर के स्विचेस को सारे सिस्टम को मैथमेटिकल मॉडलिंग करके आपके सिस्टम को चलाएगा, मैट्रिक्स करेगा, वो सॉफ्टवेयर उसका नाम है ये चीज़ जो हमने ओपल आर टी के साथ परचेस किया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई ये सारी सिमुलेशन तो आप मेटले में भी कर सकते हो, वाई टू गो टू फॉर फिल, तो इतने 2-3 करोड़ के डब्बे रखने की जरूरत क्या है जब वही काम आपके मेटले में हो सकता है। इसकी करंट प्राइस तकरीबन 3-4 करोड़ है इस वक्त जो फिल की प्राइस है, तो ये 3-4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ये है कि मेटले आपका स्टेप साइज नैनो सेकंड में नहीं ले सकता, अगर लेगा भी तो एक आधे घंटे की सिमुलेशन के लिए भी आपको टाइम बढ़ जाएगा। हाँ, आपको 5-6 दिन या इंतजार करना पड़ेगा, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली कि आप नैनो सेकंड में सर्किट की रिस्पांस देखें मेटले में, लेकिन यहाँ पर आप नैनो सेकंड के अंदर सिमुलेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि FPGA की प्रोसेसिंग स्पीड बड़ी फास्टर है, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, और विंडोज़ के अंदर मेटलेब के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बता दे खुद उसकी जिटर बढ़ा देता है, उसकी डिटरमिनिज्म को कम कर देता है, और यहाँ पर डायरेक्ट आप चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं एट हाईर लेवल विथ हाई प्रोसेसिंग स्पीड, तो आप नैनो सेकंड में चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, सिमुलेट कर रहे हैं, तो देयरफॉर वी कॉल दीज रिजल्ट्स रियल टाइम सिमुलेशन रिजल्ट्स, और मेटलेब के रिजल्ट्स को हम रियल टाइम सिमुलेशन रिजल्ट्स नहीं कह सकते, वो जस्ट सिमुलेशन रिजल्ट्स हैं। लेट्स से मैं अगर एग्जांपल दूं, स्क्वायर वेव में अगर कोई ग्लिच आई है तो वो ग्लिच नहीं दिखा सकेगा, ये ग्लिच दिखाएगा। लेट्स से मैं अगर एग्जांपल दूं, कोई पावर कन्वर्टर आपने डिज़ाइन किया, तो कोई भी पावर कन्वर्टर हो तो वो नॉन लीनियर लोड की तरह एक्ट करता है, उनमें हार्मोनिक जनरेट होती है, हार्मोनिक ना सिर्फ आउटपुट में जनरेट होती है बल्कि इनपुट पावर को भी डिस्टर्ब करती है, लेकिन मेटलेब आपकी इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट को डिस्टर्ब दिखाता है। एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, इनपुट वोल्टेज में डिविएशन आए भी तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन रियल टाइम सिमुलेशन रिजल्ट के अंदर इनपुट वोल्टेज में भी अगर कोई वेरिएशन हुई है तो वो सेंस कर पाएगा। तो हम एग्जांपल्स के अंदर पहला काम ये करेंगे कि जनरेट एंड लोड EHS मैट्रिक्स जो है ना, इसको हम लोड करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पर हम सिस्टम जिसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं उसको ऑन करना ज़रूरी है, तो मैं सिस्टम को ऑन कर देता हूँ। और यहाँ से मैं उस सिस्टम की वो बता रहा हूँ कि मैं कैबिन नंबर 6 के साथ, ये कैबिन नंबर 6 है, उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, उसकी IP मैंने यहाँ पर डाल दी, और मैं फिर बताना चाहता हूँ कि मैं कौन सा मॉडल उस सिस्टम के अंदर चलाना चाहता हूँ। लेट्स से एक्स बूस्ट कन्वर्टर, लेट्स से एक्स बूस्ट कौन सा कन्वर्टर नहीं, ये कन्वर्टर आपने ओपन एंड फुल डिज़ाइन किया, जैसे स्टूडेंट ने अभी जो यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं वो बूस्ट कन्वर्टर कर रहे हैं विद फीडबैक कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये मेटलेब फाइल है, ये मेटलेब फाइल अभी मैं वो बूस्ट कन्वर्टर ओपन कर रहा हूँ जो इस पे मैंने बंद किया है, वो कोई भी कन्वर्टर, यहाँ पर तो मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ बूस्ट कन्वर्टर का, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपका कन्वर्टर हो सकता है। अच्छा, लोड करने के बाद आप इसको रन कर देंगे तो ये मॉडल की इंफॉर्मेशन को लोड करेगा, ये मॉडल की इंफॉर्मेशन को लोड करेगा, लोडिंग कर रहा है, जब तक कन्वर्टर खुला है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रोसेस में, इस स्टेप में आपको तकरीबन 5 मिनट तक टाइम लग सकता है, क्योंकि वो मॉडल को लोड करेगा, देखेगा कितने स्विचेज यूज़ किए गए हैं, देखेगा कितने इनपुट सोर्स यूज़ किए गए हैं, देखेगा कितने आउटपुट सोर्स यूज़ किए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ कि
यहाँ पर हम दो मॉडल के टाइम बंद कर सकते हैं फिल के अंदर। एक मॉडल की कैपेसिटी कितनी है, एक मॉडल की कैपेसिटी इतनी है कि आप 32 इनपुट सोर्सेज कनेक्ट कर सकते हैं। आप 32 इनपुट सोर्सेज मतलब U01 मीन वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स 32 कनेक्ट कर सकते हैं एक मॉडल के अंदर। तो मल्टीप्लाई करो 32 मल्टीप्लाई बाय 2 तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी एक फिल डिप्लॉयमेंट सिस्टम के अंदर अवेलेबल है जो रिसर्च एंड के लिए भी काफ़ी है। 32 + 32 आप आउटपुट वोल्टेज सोर्सेज कनेक्ट कर सकते हैं, सॉरी आउटपुट वोल्टेज मेजरमेंट कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्ले में हम कनेक्ट करते हैं वोल्टेज मेजरमेंट करंट मेजरमेंट, तो 32 आप एक मॉडल के अंदर और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप दो मॉडल तक आप जा सकते हैं। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर मैं अभी EHS मैट्रिक्स जनरेट करता हूँ नेक्स्ट के लिए। ओके और इंडक्टर्स कैपेसिटर आप 1000 के अंदर रख सकते हैं, 1000 कैपेसिटर्स इंडक्टर्स आर अलो मैक्सिमम रेंज के अंदर इंडक्टर्स कोई भी रखें आप बिल्कुल। अच्छा और अगर आपकी वो रेंज सर्किट के हिसाब से अलो नहीं होगी तो वो आपको दिखाएगा एरर्स दिखाएगा, रिजल्ट से आप समझ जाएंगे कि ये आपने गलत वैल्यू रखा है। और आप क्योंकि MMC जब हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उसमें करंट की हार्मोनिक्स वगैरह रिड्यूस करने के लिए तो वहाँ पर अगर वैल्यू ज़्यादा या कम यूज़ करेंगे तो रिजल्ट से आपको पता चल जाएगा ना कि आपने सिलेक्शन गलत की हुई है, गलत की हुई वो आपको दिखाएगा। ठीक है ना। अच्छा आपने स्विचेस आप 72 एक मॉडल में यूज़ कर सकते हैं टोटल मिलाओ तो इसकी कैपेसिटी होगी 72 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि दो मॉडल आप एक टाइम बंद कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको मॉडल जो लेबलिंग करनी है ना वो इस तरीके से करनी है। ये देखिए इट मींस ये जब तक ओपन हो आप इनपुट्स जो भी कनेक्ट करेंगे उसको नाम देंगे U01 U02 U03 U04 U05 अप टू U32 इन वन मॉडल। ऐसे ही Y01 आउटपुट के लिए Y01 वोल्टेज मेजरमेंट करना मैंने करी Y03 की लेबलिंग लाजमी है क्योंकि इस नाम से उसको पहचानेगा। स्विचेस के लिए ये जरूरी है आप उसको लिखें 01 02 03 04 1011 अप टू 72। ऐसे ही आप ये नाम पर्टिकुलर यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पर मैट्रिक्स बन रही है वो मैट्रिक्स को इस नेम से पहचानेगा और समझेगा यहाँ पर मुझे कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है और कैसे करना है। ये देखें इसमें इनपुट्स वगैरह की यूज़ किया गया है U01 सही एक ये इनपुट करंट देखने के लिए करंट मैनेजमेंट है Y01 यहाँ पर आउटपुट करंट थ्रू द स्विच के लिए देखने के लिए Y03 एक इनपुट वोल्टेज मैनेजमेंट यूज़ किया और सॉरी आउटपुट वोल्टेज मैनेजमेंट यूज़ किया Y02 तो दैट इज करंट इन पैरेलल विद द इनपुट सोर्स। तो जो भी ये Y02 होगी वो बेसिकली बताएगी हमें इनपुट वोल्टेज के बारे में क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। और यहाँ पर Y04 है जो हमें बताएगी बेसिकली वोल्टेज मेजरमेंट इस रजिस्टर के अक्रॉस मींस के लोड के अक्रॉस मींस यहाँ पर दो चीज़ें नोट कीजिएगा Y02 इज इनपुट वोल्टेज एंड Y04 इज आउटपुट वोल्टेज। और हमने ये मॉडल अभी बंद किया है EHS में ये मॉडल हमने अभी लोड किया हुआ है ये लोड हो गया है आप देख सकते हैं ये 205 सेकेंड्स पे टाइम स्टेप पे चला है नैनो सेकेंड्स पे चला है 205 नैनो सेकेंड्स पे ऑलरेडी। ओके ऑलराइट यहाँ पर आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि इसमें आपने कितने करंट में चार यूज़ किए थे चार दिखा रहा है जैसे हमने दो स्विचेज यूज़ किए हैं एक डायोड और एक आपने डेटा लाइन सारी बोले एक स्विच यूज़ किया है दो स्विचेज यूज़ किए डायोड और एक आपने पावर ट्रांसफर यूज़ किया है ऑलरेडी। ओके उसके बाद ये डेटा लॉगिंग आप दे सकते हैं यहाँ तक ये काम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको PXI को ओपन करना है और उसकी एक VI ये ओपन आर्टिंग के हिसाब से VI उसकी एक VI को ओपन करना है इसको हमें रन करना है। यहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट इसी पिक्चर से क्लियर हो रहा है कि ये है आपका PXI ये सारा आपका क्या है PXI जिसमें आपका सारा कन्वर्टर स्विचेस वगैरह लगे हुए हैं और ये है आपका कंट्रोलर जो सीरियो है जहाँ PWM आ रही है और इट कैन बी अ फीडबैक सिस्टम इट कैन बी अ फीडबैक सिस्टम। अगर फीडबैक होगा अभी लोड कर रहा है सारी इन्फॉर्मेशन अगर फीडबैक होगा तो इसका एनालॉग आउटपुट जो Y04 था जो Y04 था वो इसका एनालॉग इनपुट हो जाएगा और इसका डिजिटल आउटपुट जो सीरियो का डिजिटल आउटपुट जब ये हो जाएगा लोड तो ये दो विंडोज ओपन हो जाएंगे ये दो विंडोज ओपन हो जाएंगे। इस विंडोज को मैं डिस्कस करता हूँ पहले मैं थोड़ा इसको इसको डिस्कस कर लूँ कि ये जो सीरियो में आपने मॉडल बनाया था एक्सटर्नल कंट्रोलर आपका सीरियो में एक्सटर्नल कंट्रोलर कौन सा जो अभी आपने मैटलैब में डिजाइन किया नहीं अभी वो लेबी में जो डिज़ाइन करना है अच्छा करना है वो आपका थोड़ी दानिश तो आप थोड़ी देर कहाँ पहुँचो ठीक है
एक्सटर्नल कंट्रोलर आप किसके अंदर बर्न करेंगे, एक्सटर्नल कंट्रोलर आपने बर्न किया लेवी में जो डिज़ाइन किया वो सीरियो के अंदर, तो यहाँ से जो डिजिटल आउटपुट निकलेंगे PWM वो डिजिटल इनपुट इसके लिए होंगे और इसका एनालॉग आउटपुट इसके लिए एनालॉग इनपुट हमारा होगा। यहाँ तक क्लियर? ऑलराइट ओके। अब ये जो दो विंडोज ओपन हो गई, इसके लोड होने के बाद जो खुद ओपन हो जाएगी, एक का नाम है rtloop.vi, इसमें आप वैल्यूज लोड करेंगे। फिलहाल अगर आपका इनपुट सप्लाई ए सी है तो 3 फेज AC आप रख सकते हैं, ठीक है, और कोई भी रेंज आप वैल्यूज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारा सप्लाई सिस्टम DC है क्योंकि DC कन्वर्टर बना रहे हैं, तो वो हमने यहाँ पर U01 नाम दिया था मेटलेट का, तो ये U01 अगर नाम दिया है आपने तो यहाँ पर आप इसको 100 वोल्ट रखेंगे क्योंकि U01 है आपका 100 वोल्ट, ठीक है। हमने इस वक्त सप्लाई 100 वोल्ट दिया, आप चेंज भी कर सकते हैं। और स्विच मैपिंग में सिर्फ और सिर्फ अभी हम एक स्विच यूज़ करें, स्विच 1 जो आपने वहाँ पर लेबल दिए है वही स्विच यूज़ करना है, स्विच 01, तो आपने यहाँ पर स्विच यूज़ किया 01 और उसको एक्सटर्नल कंट्रोलर के साथ कनेक्ट किया, लेकिन प्रिंट कौन सी कनेक्ट की, डिजिटल आउटपुट 0, ये आप नोट करें, डिजिटल आउटपुट 0 के साथ हमने यूज़ किया है। और कॉन्फ़िगरेशन देखें, अब जैसे मैंने आपको बताया कि सीरियो की लिमिटेशन ये है कि ±10 वोल्ट को हैंडल करता है, माइरियो भी ±10 को हैंडल करता है, लेकिन आपने बूस्ट कन्वर्टर डिज़ाइन किया है और इनपुट ही 100 दिया है, आउटपुट सर्टेनली वोल्टेज 100 से ज़्यादा ही होगी, तो आप यहाँ पर Y04 को स्केल कर दिया आपने 100 के साथ, सही, तो इट मीन्स नाउ 100 से डिवाइड करोगे तो वो ±10 की रेंज में आ जाएगा। और Y04 क्यों, Y04 इसलिए क्योंकि जो वोल्टेज मेजरमेंट हमने यूज़ किया वो Y04 में है। Alright. और आप देखें अभी हमने एनालॉग आउटपुट की मैपिंग की है, तो हमारा आउटपुट है वो एनालॉग आउटपुट क्या है, Y04 है, तो कौन सा है, Y04 है, तो Y04 को हमने नाम दिया है एनालॉग आउटपुट 01, ठीक है। तो ये जो PXI में ये आउटपुट कहाँ से निकलेगा, ये आउटपुट निकलेगा हमारा PXI से, PXI, ठीक है, उसको हमने नाम दिया है एनालॉग आउटपुट 01, ठीक है। अगर मैं इसकी आपको स्कीमेटिक में सारी चीज़ें समराइज करके बताऊं, एक फिगर दिखाऊं, तो फिगर से वो सारी चीज़ें क्लियरली एक ही पिक्चर की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम अभी ये सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, ये सिस्टम अभी हम डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके अंदर ये जो कन्वर्टर है वो हमारा चलेगा सीरियो के अंदर चलेगा, ठीक है। तो उसमें आपने कन्वर्टर यहाँ पर रखा है जो हमने PXI के अंदर बंद किया है, ठीक है, और उसका एनालॉग आउटपुट इसके एनालॉग इनपुट बन जाएगा जो होगा सीरियो का हमारा सीरियो का हमारा फीडबैक सिग्नल होगा। ऑलराइट, और इसका डिजिटल आउटपुट जो सीरियो से निकलेगा वो इसका डिजिटल इनपुट हमारा हो जाएगा। PI कंट्रोलर ये मेटल में डिजाइन करें या ये भी लेवल में, ये हम लेवी में डिज़ाइन करेंगे, ये कंट्रोलर सारा लेवी में डिज़ाइन होगा और ये हमारा मेटली में पोर्शन, ठीक है, ये PXI के अंदर चला गया, ये चला गया सीरियो के अंदर, तो ये सिस्टम होगा। बस नोट करने की चीज़ ये है कि इसका सीरियो का डिजिटल आउटपुट जो गेट सिग्नल होगा, जो स्विच को जाएगा, जो पावर ट्रांसफर को जाएगा, ये इसका डिजिटल इनपुट होगा, ठीक है। और ये हमारा एनालॉग आउटपुट जो Y04 होगा, एनालॉग आउटपुट 01, ये इसका एनालॉग इनपुट हो जाएगा इसका, सही, क्लियर है, यही सिस्टम हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसमें सर PI कर सकते हैं, PID या फजी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कैन बी एनी कंट्रोलर, लैब यू, ओके, तो लैब यू में कंट्रोलर डिज़ाइन करना सॉल्व होगा या होना सॉल्व होगा जी मेट लैब, अगर लैब यू आपको आता है तो उसमें डिज़ाइन करना आसान है, अगर मेट लैब आपको आता है डिपेंड अपॉन कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, उसमें बिल्ट इन कंट्रोलर नहीं है लैब में, बहुत सारी VI एक्सप्रेस VI पड़ी हुई हैं, PI कंट्रोलर ऑलरेडी डिज़ाइन पड़े हुए हैं, फजी के ऑलरेडी एक्सप्रेस VI पड़ी हुई हैं, a lot of help communities also available, जहाँ पर कोडिंग में आपको मसला हो रहा है ऑनलाइन सपोर्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमने कन्वर्टर अभी PXI बंद किया, अब हम आते हैं जो इसका आपने कोई डिज़ाइन किया है खुद कंट्रोलर, अभी कर रहे हैं दिखा रहा हूँ, इसका एक मतलब दिखा रहा हूँ जो हमने किया है। ऑलराइट, अब यहाँ तक हो गया, अब हमें जाना है कंट्रोलर RCP मीन्स के सीरियो का जो पोर्शन है जहाँ पर कंट्रोल हम बंद करेंगे, लेटर से हम ओपन कर रहे हैं RCP लेवी प्रोजेक्ट हमने ओपन किया
और हम अब केबिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट हैं, क्योंकि ये आईपी किसकी है? केबिन नंबर केबिन नंबर 6 की है आईपी, ये केबिन नंबर 6 की आईपी है जो हमने कनेक्ट कर दी। यहाँ से हम बूस्ट कन्वर्टर ओपन कर रहे हैं। ये हमारा कोडिंग है जो हमने कोडिंग की है। अब ये सर्किट देखिए, यहाँ से पहले आ रहा है रेफरेंस सिग्नल, कोई रेफरेंस सिग्नल, रेफरेंस सिग्नल यहाँ से दे रहे हैं कि हमारी रेफरेंस वोल्टेज इतनी है। यहाँ से आपकी एनालॉग आउटपुट फीडबैक होकर आ रही है। ये एनालॉग आउटपुट जो Y04 था जिसको मैपिंग करके हमने कर दिया था एनालॉग आउटपुट 01, ये इसका एनालॉग इनपुट होगा। तो ये एनालॉग इनपुट जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है हम देख सकते हैं। इसका जो उसका एनालॉग आउटपुट, इसका एनालॉग इनपुट क्या है? एनालॉग आउटपुट 0 है, इनपुट एनालॉग इनपुट 0 आ रहा है। तो हमने वापस इसके लिए वहाँ पर जो स्केलिंग डिवाइड की थी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसके लिए वापस करेंगे, व्यास एड कर सकते हैं, फिलहाल 0 है। तो यहाँ पर आप देखें रेफरेंस माइनस जो एक्चुअल लोड की वोल्टेज है वो बताएं गेरर। तो यहाँ तक माइनस आप रेफरेंस माइनस लोड करेंगे तो एरर यहाँ आएगी, एरर जाएगी पीआई कंट्रोलर के पास। तो यहाँ तक जो प्रोग्राम है वो है पीआई कंट्रोलर। पीआई कंट्रोलर रेफरेंस वोल्टेज के हिसाब से लोड वोल्टेज को एडजस्ट करेगा, और एडजस्ट कैसे करेगा? वो ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करेगा। तो यहाँ से ड्यूटी साइकिल एडजस्ट हो जाएगी। और ये वाला जो पोर्शन है ये हमने फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करने के लिए लगाया हुआ है। तो ये इसका कंट्रोल सिस्टम है पूरा। ये कंट्रोल सिस्टम हम अभी बंद कर रहे हैं। और वहाँ पर हमें वायरिंग अप करनी पड़ेगी कि उसका डिजिटल आउटपुट, इसका मींस के 3U का डिजिटल आउटपुट, उसका PXI का डिजिटल इनपुट, और यहाँ से जो PXI से आउटपुट आ रहा है वो उसका इनपुट। तो या ये वायरिंग RAD वहाँ पर हुई हुई है, तो इस वजह से आउटपुट हमारा सही आ रहा है, वरना वहाँ पर आप वायरिंग करते। ओके 129 अगर मैं यहाँ पर 150 करूँ तो देखिएगा ड्यूटी साइकिल ऊपर हो गई, क्योंकि बूस्ट करनी है वोल्टेज। और यहाँ ये रेफरेंस वोल्टेज है और ये क्या है? लोड वोल्टेज है, ठीक है। एक आप रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं आपने, और आप दूसरा रिजल्ट देख सकते हैं डेक के अंदर। कहाँ पर? डेक के अंदर Y02 आपका इनपुट वोल्टेज है। हेयर आई वांट टू एम्फसाइज वन थिंग कि आप इसको अगर जूम करें, जूम कैसे करेंगे? विजिबल आइटम ग्राफ पैलेट, इसको अगर हम जूम करें और ऑटो स्केल से इसको हटा दें तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं 150 की बजाय 250 कर देता हूँ ताकि मैं प्रॉपरली विजुलाइज कर सकूँ। यू कैन सी कि इसमें रिपल आ रही है, डीसी इनपुट डीसी डिस्टर्ब हो गई है। मैटलैब ये नहीं करता था कि अब ये नैनो सेकंड्स में चल रहा है, तो इस वजह से ये हमें एक्चुअल बिहेवियर सर्किट का दिखा रहा है, और दिखा रहा है कि इनपुट सप्लाई भी डिस्टर्ब हो रही है। और आउटपुट Y04 था, तो ये Y04 आउटपुट है। इसको इसी तरीके से मैं ऑटो स्केल हटा के और मैं इसको जूम कर रहा हूँ, तो विजिबल आइटम में ग्राफ पैलेट इसको हमने जूम कर दिया, और आप देखिए ये आउटपुट आ रही है और वो बूस्ट सर्किट की तरह काम कर रही है। और इसमें थोड़ी बहुत रिपल है, क्योंकि एग्जैक्टली ये प्योर डीसी कन्वर्टर नहीं है, रिपल थोड़ी बहुत होती है, और रिपल डिपेंड करती है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पे। ये चीज़ अगर हम देखें अभी तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो हाँ, या अगर इस वक्त रिपल कितनी है, इस वक्त रिपल है देखने, इस वक्त रिपल स्विच करिए तकरीबन 149 से 152, पर अगर मैं इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कर दूँ 1000 से कम कर दूँ, 200 कर दूँ, तो रिपल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड वी कैन सी रिपल बहुत ज़्यादा, रिपल बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ गई है। इसको हम जूम आउट भी कर सकते हैं, तो यू सी रिपल 135 से 165 तकरीबन, तो रिपल बहुत ज़्यादा बढ़ गई। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट वहाँ पर हमें नज़र क्लियरली आ रहा है। ये हमारा कंट्रोल हमने डिस्कस किया, ये हमने इसकी डिजाइनिंग डिस्कस कर ली। KPKI के वैल्यूज हमने जिगर निकोल्स मेथड के थ्रू ट्यून किए हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग करके जो भी बेस्ट वैल्यूज आ रहे हैं वो ट्यून करें। यहाँ पर भी हम ऑटो स्केल एक्स करें और ऑटो स्केल वाई करें तो एक्चुअल में रिपल जो होगी वो भी नज़र हमें आ जाएगी। तो अगर मैं इस मॉडल को रन करूँ दोबारा और चलाऊँ, और मैं अगर आप बाहर सिस्टम का चेक करें तो आप इसके बाय के अंदर देखिए, पहले
थोड़ी बहुत रिस्पॉन्स में ट्रांजिट एनालिसिस आती है, उसके बाद सिस्टम हमारा स्टेबल हो जाता है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें? तो केपी किया है तो आप खुद करते हैं या खुद ही वो ट्यून करते हैं? नहीं नहीं, वो आप जिगलर निकोलस मेथड के थ्रू सारे केपी के वैल्यू, केआई के वैल्यू निकाल के बेस्ट वैल्यू जो होते हैं जहाँ पर सिस्टम के रिस्पॉन्स बेहतर हो वो आप वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से आपका सिस्टम कोई भी हो सकता है और यही प्रोसेस रिपीट होता होगा डिजाइनिंग के लिए, कन्वर्टर डिजाइनिंग के लिए। तो पार्ट वन पार्ट टू पे हम बाद में डिस्कस करते हैं। सर देखा जो